है चलिए सर सर मैं क्या कहेंगे आपको COVID-19 में कोविड योद्धा अवार्ड मिला है क्या कहेंगे आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को उसके बाद बताइए नमस्कार मेरा नाम गौरव शाह है लेटर नील एम्स फाउंडर का मैं फाउंडर हूँ और संस्थापक हूँ अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अवार्ड देखे कल नहीं जाने का इसलिए उनको बधाई उनको जिन्होंने हम लोग को ऐसा योद्धा के लिए हम लोग को सम्मानित किया इसके लिए जी मैम आप कहेंगे मैम मैं सोनाली देशमुख अमरावती से बात कर रही हूँ मैं अभी तक के बहुत अवार्ड लिए लेकिन ये जो अवार्ड है COVID-19 का ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने जो 2 महीने तक लोगों की सेवा की हमने जो खाना खिलाया तो उसे तो अच्छा लग रहा है कि उनको और खाना खिलाया क्योंकि ऐसे अवस्था जो रहती है लोगों की तो उनको खाना नहीं मिलता सर्जन कैसे लोग घर के अंदर बैठे रहे लेकिन वो जो लोग हैं वो भूखे मरे थे कोविड से तो मरेंगे बाद में लेकिन पहले भूखे मरने वाले थे उनको जो लोगों ने खाना खिलाया सब ने कुछ कुछ दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे सब ने मिल के ये COVID-19 को ख़त्म करना चाहिए मेरा नाम MQ खान है और मैं गुना टाइम्स न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर हूँ ये COVID-19 का जो योद्धा अवार्ड आज मिला है उसको पाकर काफ़ी खुशी हासिल हुई है क्योंकि हम लोगों ने और हमारे साथ में जितने भी मीडियाकर्मी हैं जितने सभी हमारे मीडिया के जितने भाई हैं सारे भाइयों ने पूरे 9 महीने के लॉकडाउन में हम लोग ने ज़मीन पर उतर के ग्राउंड जीरो से न्यूज़ कवर किया हर जगहों पर हम लोग अपने जान का परवाह नहीं करके अपने घर परिवार को छोड़ के हम लोग जाके सब न्यूज़ कवर करते थे तो उसका जो हम लोगों ने किए अच्छा लगा आज हम लोग को ये अवार्ड लेके बहुत खुशी महसूस हुई हम कल्याण जी जाना का शुक्रिया अदा करेंगे धन्यवाद थैंक यू मैम थैंक यू सर तेरी वो किसे देंगे लोगों नीचे लगा शाह साहब आ गए सर आइए आइए वो साथ में ले लो साथ में ले लो थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना सर जी एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड आइकन अवार्ड के लिए कोरोना 2020 के लिए मैं स्माइली सोल फाउंडेशन से हूँ बीना शाह एंड हमने बहुत सारे काम किए हैं कोरोना काल के दौरान ऑलमोस्ट 6 महीने हमने काफ़ी फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया है काफ़ी फैमिलीज़ को एवरी डे हम लोग फूड प्रोवाइड करते थे फूड प्रोवाइड करते थे राशन प्रोवाइड करते थे प्लस काफ़ी हॉस्पिटल्स में भी हमने जाके सैनिटाइजर्स मास्क वगैरह की सेवा दी है सो बहुत सारे कार्य हमने ये 6 महीने में किया है सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आज जैसे बहुत सारे यहाँ पे कोरोना योद्धाओं का बुला के उनका मनोबल बढ़ाया उनका सम्मान किया और इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है मेरी भी एक संस्था है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट उसके माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे काम जो है पूरे मीरा भाईंदर में और कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो भी हमारे संस्था के माध्यम से हो सका हम लोगों ने किया चाहे वो राशन वितरण का काम हो चाहे वो और भी कोई ज़रूरतमंद हो या दवाई या कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो हम सब ने मिल के उसमें अपना पूरा योगदान दिया है और ये जो अवार्ड फंक्शन आज हुआ है ये हम जैसे ऐसे जो बहुत सारे जो समाज में जो काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने का जो काम किया है ऐसे हमें और भी मनोबल हमारा बढ़ता है और हम इसमें और भी ऐसी सिचुएशन में कभी सिचुएशन टाइम मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और भी कंट्रीब्यूट करें ऐसा तो अजय जी आप पहले भी बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है लेकिन आज इस अवार्ड के पाने के बाद आप क्या किस तरह से सोचते हैं इसलिए कितना मायने रखता है अवार्ड आपके देखिए हर सम्मान जो है बहुत मायने रखता है हर अवार्ड बहुत मायने रखता है लेकिन जितने अवार्ड्स मिलते हैं उतनी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं
तो उस हिसाब से अभी ये एक नई जिम्मेदारी आई है और उस हिसाब से हम जो है इसको बखूबी आगे मौका मिलेगा तो हम फिर और भी काम करते रहेंगे सर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक कल्याण जी जाना फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस अवार्ड। और कल्याण जी जाना ने यहाँ अवार्ड देने के लिए, मैं रेवफोक फाउंडेशन से हूँ, प्रेसिडेंट एडवर्ड, मेरा नाम एडवर्ड कलेरा है। और एंटायर कोरोना काल में हम लोग ने बहुत सारा फैमिलीज को कंटिन्यूसली राशन बांटे हुए हैं, प्लस फूड देते थे। माय नेम इज रमजान शेख, आई एम फ्रॉम ओपेरा फाउंडेशन। जैसे लॉकडाउन हुआ तो मेरे एक कॉलेज से एक सपना था कि कोई लोगों के काम आना चाहिए अपन, तो फिर मैंने एक एनजीओ बनाया जिसका नाम ओपेरा फाउंडेशन है। तो लॉकडाउन में बहुत सारे जो लोग मजदूर गांव जा रहे थे उनको राशन उनको पहुंचाना हुआ, जो भी समझो ने बहुत सारा काम किया। वही कल्याण जी जाना ने हमारा प्रोफाइल देखे हमको अवार्ड दिया, इसलिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जैसे जफर सर ने भी मुझे अच्छा मौका दिया, इसलिए उनका भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। यही हम आगे काम जब तक है ज़िंदगी तक हम करते रहेंगे, यही हमारी मेरा प्लान। थैंक यू सर। एक अंग्रेजी की कहावत याद आती है, द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड कैप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट, दे व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट। तो कल्याण जी जाना एक वो व्यक्तित्व हैं जो हर रोज उस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं समाज सेवा के नाम पर कि लोगों को जगाते भी जा रहे हैं। और आज समाज सेवा करने वालों को जिस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए एक जिसको बोला जाए आगे बढ़ने के लिए लोगों को कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड देर आर नो वर्ड्स, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स स्पेशली टू एडमायर दिस ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर कल्याण जी जाना। गॉड ब्लेस हिम, आई रियली अप्रिशिएट बाय ऑल मीन्स। थैंक यू सर। और मेन करके भारतीय जैन संगठन में हमने कंटिन्यू 4 महीने तक सुबह से शाम तक सब जगह पे कोरोना चेक टेस्टिंग किया है। कल्याण जी ने ये प्रोग्राम जो किया बहुत अच्छा किया और बहुत सारे लोगों को कवर किया है, उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है ऐसे योद्धा को उत्तेजन देने के लिए, ये सबसे बड़ा मौका है। और कल्याण जानी ने जो कार्य किया है इसको अच्छे से सराहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवार्ड देने से कार्यकर्ता निर्माण होते हैं, लोगों के अंदर आस्था निर्माण होती है, कार्य करने की बच्चों को शक्ति मिलती है, और शक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अच्छा ये कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत बधाई देता हूँ और आप सब इस कार्यक्रम को अच्छा से लोगों के अंदर प्रकाशित करिए, जिसके कारण देश के अंदर आने वाले समय में जो कोरोना का काल चलने वाला है इसमें कई लोग और अच्छा कार्य करना शुरू करेंगे, और फिर कोई और कल्याण जी जैसे बच्चे आपको उत्तेजन मिलने के लिए देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि ये कल्याण जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य को सराहना लोगों के लिए। मैं अभिषेक हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जो कल्याण जी जाना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है उनके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और ऐसे समय में जो कोरोना महामारी के समय में ऐसा जब होता है और ऐसे इंसान जब निकलते हैं घर से बाहर, जब लोग डरते हैं कि हम एक दूसरे को हाथ ना लगाएं, और ऐसे समय में कल्याण जी जैसे हमारे बाहर निकले एक दूसरे की मदद करने के लिए, उनको दिल से बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं इसी तरह ऐसा ही काम करते रहे, उनका नाम रोशन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। कोविडमध्ये जे काम केलेले आहे गरिबांना मदत करणं, किंवा बरंच आम्ही पोलिसांमध्ये वाटप करणं, मास्क वगैरे यासाठी दिलं आहे, आणि मी त्यांचे खरोखरच आभारी आहे का त्यांनी एवढी दखल घेतली आणि आम्हाला धुळ्याहून इथपर्यंत बोलवले आणि आम्हाला अवॉर्ड दिले। पण नुसतं अवॉर्ड घेण्यात अर्थ नाही आहे, तर आज आमचं इतकं म्हणजे जबाबदारी इतकी वाढलेली आहे, ते अवॉर्ड बघून का खरोखरच आमच्या कामाची दखल घेतली जाते, आणि तीही मुंबईसारख्या शहरात कल्याणजीकडं, तर आम्ही फार आज आनंदित आहोत।
ये अवार्ड रिसीव करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई वन जिनकी वर्ल्ड चेयरपर्सन शाइना एनसी मैम है और फाउंडर राबिया पटेल है एंड मैं फाउंडर हूँ फ्लोरेंट फाउंडेशन की एंड जिस तरीके कोविड में हमने लोगों की मदद की है स्पेशली हमारा फोकस था LGBT की कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याणी जी एंड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड आई एम ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड एंड हम कोई नहीं होते ये अवार्ड यू नो रिसीव करने वाले हमें गॉड चुनता है एंड ऑफ कोर्स ये बात है हम ब्लेस महसूस कर रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू गोपाल पाकड़े रत्नागिरी आणि सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डे सह्याद्री शिक्षण संस्था सावर्डे ही एक महाराष्ट्र राज्यातील अग्रणी अशी संस्था आहे आणि या संस्थेच्या खरं तर कोकणामध्ये या संस्थेच्या बऱ्याचशा शाखा आहेत त्याच्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूल निवळी भावनदी या विद्यालयामध्ये मी असिस्टंट टीचर सहाय्यक शिक्षक म्हणून त्या ठिकाणी मी सेवा करतो आहे खरं तर आजचा जो अवॉर्ड आहे आणि कल्याणजी जाना सरजीने हा अवॉर्डसाठी माझी शिफारस केली माझं नॉमिनेशन केलं किंबहुना आजचा हा अवॉर्ड या ठिकाणी मला मी स्वीकारताना मला फार आनंद होतो आहे खरं तर लॉकडाऊनमध्ये जे जे काही काम झालेलं आहे असिस्टंट टीचर म्हणून किंवा शिक्षक म्हणून काम करत असताना माझं स्वतःचं एक यूट्यूब चॅनल आहे आणि या यूट्यूब चॅनलमधून बरेचसे शैक्षणिक व्हिडिओ जे आहेत अभ्यासमाला आहेत सरावमाला जे आहेत ह्या सरावमाला महाराष्ट्र राज्यामध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या माझ्या पोचलेल्या आहेत त्याचबरोबर अनेक शैक्षणिक व्हिडिओंची निर्मिती करून त्याचबरोबर केंद्रस्तर असेल किंवा तालुकास्तर असेल अनेक शिक्षकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षण जे आहे हे ऑनलाईन ऑफलाईन शिक्षण सर्व शिक्षकांना त्याचं ते तंत्रज्ञान जे आहे हे तंत्रज्ञान अवगत व्हावं त्याच्यासाठी मी वर्कशॉप देखील घेतलेले आहेत त्यांना गायडन्स केलेलं आहे त्याचबरोबर एज्युकेशनल ॲप जे आहेत ह्या एज्युकेशनल ॲपच्या संदर्भात या शिक्षकांना वर्कशॉप घेऊन कार्यशाळा घेऊन त्यांना त्या संदर्भात मी गायडन्स केलेलं आहे आज मला आनंद होतो आहे की हे सर्व करत असताना त्याचा एक सक्सेस किंवा यश जे आहे या अवॉर्डच्या माध्यमातून मला मिळतं आहे आणि मला फार आनंद होतो आहे याच्या पाठीमागे जी काही मला प्रेरणा मिळालेली आहे आणि उत्साह माझा वाढलेला आहे आणखीन आपण पुढे जाऊन चांगल्या पद्धतीने एक चांगलं काम आपल्या हातून घडावं किंबहुना हा माझा आत्मविश्वास फार या ठिकाणी द्विगुणित झालेला आहे साहेब थोडा शॉर्टमध्ये ओके 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 थँक्यू थँक्यू मैं किन्नरमय ट्रस्ट की संचालिका हूँ और मैं महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ और लोक अदालत की पैनल मेंबर भी और मैं किन्नर समाज से आती हूँ जो दुर्लक्षित समाज है दुर्गतियों से घिरा हुआ और COVID-19 के समय में हमारा समाज और ज़्यादा दुर्गतियों से घिर गया जब उनके पास रेशन मास्क सैनिटाइज़र ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और फिर उस समय हमारी किन्नर माँ की ट्रस्ट ने लोगों से रेशन मांगा मास्क मांगा सैनिटाइज़र मांगा और वो 15,000 से 20,000 किन्नरों तक देने की कोशिश की और उनकी ज़रूरतों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की वैसे हमने मास्क और सैनिटाइज़र मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में और मुंबई के सभी पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में और उनको सभी को देने की कोशिश की मास्क सैनिटाइज़र क्योंकि कोरोना ये बहुत जानलेवा रोग है जो हमारे देश पर ही नहीं वो सारी दुनिया पर संकट बनकर टूट पड़ा है तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उस कोरोना से हमारे घर से हमारे देश से हमारी दुनिया से उसे बाहर करें तो सैनिटाइज़र करना मास्क ये सब ज़रूरी था तो हमने उस समय पर लोगों से मांग कर वो सब दिया है सो वी आर प्राउड फॉर आवर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियन
और हमारी किन्नरमा ट्रस्ट एकमात्र ऐसी संस्था है जो किन्नरों के एजुकेशन के ऊपर काम करती है, उनके उज्जवल भविष्य के ऊपर काम करती है और उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए काम करती है, क्योंकि वो दुर्लक्षित समाज है और दुर्गतियों से घिरा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। छान प्रश्न विचारला, मला मराठी उत्तर द्यायला आवडेल कारण मी मुंबईमध्ये कार्यक्रमाला आली आहे आणि मला हे सांगताना खूप आनंद होतोय की कल्याणजी जानांनी आमचा छानपैकी असा सत्कार केलेला आहे। गेल्या 8 ते 9 महिन्यापासून जसं कोरोनाचं हे सावट आलं तसं आम्ही धान्य पुरवणं, अगदी एखाद्या पेशंटपर्यंत जाणं किंवा रुग्णांना मदत करणं, जिथे जेवण नसेल तिथे जेवण देणं, मास्क देणं किंवा सॅनिटायझर पोचवणं, अशा अनेक प्रकारच्या आम्ही सामाजिक कार्यात सहभाग घेतला। आणि ह्या आणि मी किंवा मी माझी स्वतःची अशी फाउंडेशन आहे, आस्था अंगणवाडी फाउंडेशन, त्या संस्थेमार्फत मी गेली 8 महिन्यापासून कार्यरत आहे आणि सामाजिक क्षेत्रात मला काम करताना खूप आनंद झाला आणि त्याची ओळख म्हणून कल्याणजी जानांनी हे प्रमाणपत्र आणि सुंदर अशी ट्रॉफी दिली आणि आज तुम्ही देखील एवढे सगळे असे सन्मानाने आम्हाला हा मान देत आहात, त्याबद्दल आपले आणि कल्याणजी जाना यांचे देखील आभार। धन्यवाद। नमस्कार, मी कविता कोळी, मी धुळे जिल्ह्यात कल्याणजी जानांनी मला त्यांच्या संघटनेतर्फे धुळे जिल्ह्यासाठी प्रेसिडेंट केलं होतं आणि 8 महिन्यापासून कोरोनाचं हे जे सावट आलं होतं, जे कोरोनाचं जे महाभयंकर संकट जगावर आलं होतं, त्या संकटामध्ये ज्यांनी खूप कोरोना योद्धा म्हणून जे काम केलं, ज्यांनी गरजूंना अन्नधान्य वाटप केलं, किट वाटप केलं, अशा व्यक्तींची त्यांनी मला नावं सुचवायला सांगितली आणि मी माझ्याकडून अनेक अशा व्यक्तींची ज्यांनी अगदी खरोखर ग्राउंड लेवलला काम केलं होतं अशा व्यक्तींची मी त्यांना नावं दिली आणि त्यांना आज या पुरस्काराने त्यांनी सन्मानित केलेलं आहे। अगदी छान असा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केला आणि यांना जो मान सन्मान दिला, सर्वांना जो पुरस्कार आणि ट्रॉफी दिली ती अतिशय सुंदर अशा पद्धतीने दिलेली आहे। मी देखील धुळे जिल्ह्यासाठी प्रेसिडेंट म्हणून काम करते। आदिवासी वाल्मिकी लोक सेना महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्षा देखील आहे मी आणि महाराष्ट्राचा पैलवान महाराष्ट्र राज्य ग्रुप या संघटनेची मी महाराष्ट्र राज्य महिला संपर्क प्रमुख म्हणून देखील कार्य करत असते आणि आम्ही देखील 8 महिन्यापासून अगदी आमच्या टीमने जे अंध अपंग जे व्यक्ती होत्या त्यांच्यासाठी किट बनवून सण त्यांच्यासाठी वाटप केलेलं आहे आणि अशा व्यक्तींना कल्याणजींनी सन्मानित केलं, त्याबद्दल मी आमच्या टीमकडनं त्यांचे सर्वांचे आभार व्यक्त करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि हमें इस मकाम पे लाने के लिए और हमारा नाम आगे लाने के लिए जान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या कुछ कहना चाहेंगे, अवार्ड रिसीव किया आपने। परितोष दास, सोशल एक्टिविटी समाज सेवी, उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा घर आमर, मुड़ीसा उड़िया बोली गर्वित, मुड़िया रे कहबी आपण बुझी परिवे कि नहीं जाने कि उड़िया रे कहिया पई पसंद करी। आमे 2.5 वर्ष होगा गोटे संस्था कहचे श्री जगन्नाथ सभा, तार स्टेट प्रेसिडेंट मुझे वाइस प्रेसिडेंट उड़िया जेहतु उड़ीसा रे आड़ा लोक उड़ीसा लाइव होते उड़ीसा लोक देखिए ठीक है। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। हमारा एक सोशल ग्रुप है श्री जगन्नाथ सभा उड़ीसा, उसका स्टेट प्रेसिडेंट मैं हूँ। हम अननोन पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, सोशल मीडिया में है परितोष दास के नाम पे है और जैसे जिसका कोई नहीं वो उसका परितोष दास है, जैसे श्री जगन्नाथ सभा है इसी तरह हम काम करते हैं। जो कोविड चुप गया, कोविड में जस्टिस जूस को फूड्स दिया हमें, ऑल्ड क्लॉथेस डोनेट करते हैं और क्या है कि जितना भी कुत्ते जितना भी बिल्ली वो जो मिलते वो एनिमल्स है उसको भी हम खाना खिलाते हैं। हमारा जो श्री जगन्नाथ सभा का जो वाइस प्रेसिडेंट भी वो भी आए हैं श्री नीरज कुमार पुत्र, वो भी बाद में बताएंगे। थैंक यू, बहुत खुश, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को मिलकर। थैंक यू सो मच। साल से ये सोशल एक्टिविटीज़ वर्क कर रहा हूँ, गरीब लोगों के लिए, गरीब स्टूडेंट के लिए ये सब काम हम करते हैं।
मैं रोज हॉस्पिटल में जाता हूँ। हमारा जो माने सोसाइटी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है श्री जगन्नाथ सेवा उड़ीसा। उनका प्रेसिडेंट श्री परितोष दास, वो भी मेरे साथ है, आए हैं। हम लोग गरीब लोगों के लिए, चाइल्ड जो थैलेसेमिया पेशेंट है, उन लोगों के लिए रोज ब्लड देते हैं हॉस्पिटल में जाकर, और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन वगैरह ये सब देते हैं। मैं खुद ब्लड दे चुका हूँ 95 टाइम्स। मेरा ब्लड का ग्रुप है एबी पॉजिटिव। मेरा जब तक ब्लड रहेगा, मैं जब तक जिंदा रहूँगा, तब तक मैं ब्लड देता रहूँगा, और गरीब के लिए हमारा सदा हम काम करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट लोग हैं, जो पोअर पीपुल हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, स्टडी के लिए स्टडी मटेरियल्स देते हैं, और गरीब लोगों के लिए हम काम करते हैं। वो जो ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम में हम लोग काम करते हैं, और जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर भी हम काम करते हैं। ये सब काम हम करते रहेंगे आखिर दम तक, जब तक हमारा जान रहेगा तब तक हम करेंगे। जय जगन्नाथ।